हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो हमारे आत्मिक माता पास्टर सानिया यूसुफ नरोड़ा जी के द्वारा लिखा गया। आज का पवित्र वचन, नियंत्रित जीवन। जिस तरह यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 की एक आयत में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि अब मैं मरने वाला हूँ और अपने आप को लोगों के हाथों में करने वाला हूँ, तो वह जैसा प्रेम जगत से करते थे अंत तक वैसे ही करते रहे। आपको क्या लगता है कि यह पंक्ति क्यों लिखी गई होगी? क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के द्वारा बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला था और प्रभु यीशु मसीह को यह बात पता थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे वैसा ही प्रेम किया। उन्होंने उसे मारा नहीं और ना ही कुछ कहा। यह प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रित जीवन था, इसलिए वह सामर्थ्य थे और इसलिए वह पिता की मर्जी को पूरा कर पाए। मेरे प्रियो, आप जो यह मसीही जीवन जी रहे हैं, यह आत्मिक है और यह आपको पूरे नियंत्रण के साथ जीना पड़ता है। आज जब आप परमेश्वर के सामर्थी दासों को देखते हैं, वह एक पिसा हुआ और नियंत्रण वाले जीवन का नतीजा है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने यह जानकर कि परमेश्वर ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, जगत से वैसे ही प्रेम किया जैसे वह पहले करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ पहले नहीं किया था बल्कि अब किया था। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक नियंत्रित जीवन व्यतीत किया, उसके बाद पवित्र आत्मा पाया, मसा पाया, चंगाइयां की, मुर्दों को जिंदा किया। पर प्रभु यीशु मसीह को यह बात पता थी कि अभी मेरे जीवन में इससे आगे भी कुछ है। अभी पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में नहीं किया है, अभी मुझे और नियंत्रण में रहकर एक और परीक्षा पार करनी है और पिता को साबित करके बताना है कि मैं उस सलीब को भी उठा लूँगा जो तूने मेरे लिए रखी है। इसलिए जो व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है उससे प्यार करूँगा। मैं यह साबित करूँगा कि परमेश्वर, मैं आपके वचन पर चलता हूँ और आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। यह प्रभु यीशु मसीह की एक लड़ाई थी और प्रभु यीशु मसीह ने इस लड़ाई को जीता। जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ जानने के बाद सबसे प्रेम किया और अपने पकड़वाने वाले से भी प्रेम किया, तो उनको पता चल गया था कि अब परमेश्वर ने अगले स्तर वाला अनुग्रह मेरे जीवन में उंडेल दिया है। इसी तरह आपको भी पता होता है कि मेरे जीवन में यह कमी है, यह प्रार्थना न करने की हो सकती है, बाइबल ना पढ़ने की हो सकती है, किसी से खास दुश्मनी से हो सकती है। पर जैसे ही आप उस कमी पर जीत प्राप्त करते हैं, वैसे ही आपके जीवन में, सेवकाई में, व्यापार में कुछ हो ऐसा होता है जो कभी नहीं हुआ। आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो आपसे हर समय लड़ाई मांगती है। अगर बाहर लड़ाई नहीं है तो आपके दिमाग में हर समय लड़ाई होती है, चाहे वे गंदे विचार हों, सब कुछ आपके दिमाग में ही है। पर अगर आपकी बुद्धि परमेश्वर के वचनों से कसी हुई नहीं है तो आप हारोगे। अगर आप अपने जीवन को पूरे नियंत्रण के साथ जी रहे हैं और परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, तो आप जीतेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर और अपनी सामर्थ्य मुझे दे, ताकि मैं अपने हर मुश्किल समय में, अपनी परीक्षा में पास हो सकूं और अपनी आशीष और स्तर को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आमीन आमीन आमीन। सब कुछ जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करें।